नमस्कार। हर वर्ष की तरह इस बार फिर हमारे टॉडलर से लेके ग्रेड वन के बच्चों ने वर्चुअल रामायण प्रिपेयर करी है एंड वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस रामायण फ्रॉम टुडे। और अगर हम अपनी माइथोलॉजी में जाएं और अपने इन ग्रंथों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी सीख हैं जो हमें मिलती हैं इन कहानियों से। रामायण हमें सिखाता है, सबसे बड़ी सीख जो हमें सिखाता है वो है अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर, कि बुरा हमेशा हारता है और अच्छाई हमेशा प्रिवेल करती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में घमंड, ईर्ष्या, अभिमान, इन चीज़ों को हमेशा हटाना चाहिए और एक दूसरे के लिए सद्भावना, प्यार, इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो आपको दिखाएंगे श्रवण कुमार की कहानी, कैसे उसने अपने माता पिता के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। और आप और देखेंगे कि राम जन्म और उनके गुरुकुल की कहानी। हम आशा करते हैं कि आप हमारे बच्चों की इस छोटी सी कोशिश को, देयर एफर्ट इन दीज एपिसोड्स will be appreciated by you। आप प्लीज़ खुद भी देखिए और ये लिंक बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स वो भी देखें कि आपके बच्चे कितने अच्छे परफॉर्मर्स हैं। सो आई होप यू एन्जॉय दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी। अयोध्या में चारों तरफ सुख शांति थी। इस नगरी के राजा थे वीर, पराक्रमी और धार्मिक तेजस्वी राजा दशरथ। महाराज, आपने हमें क्यों याद किया? महाराज, आप युद्ध पे जा रहे हैं। युद्ध श्रेष्ठ नहीं कौशल्या, इस राज में सुख शांति है परंतु मेरे मन में शांति नहीं। ऐसा क्यों महाराज? हमारी कोई संतान नहीं। अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन है सुमित्रा? मैं कुछ समय के लिए मृगवन जाना चाहता हूँ। वहाँ के शांत वातावरण में मेरा मन भी शांत रहेगा। इतना सब कुछ होते हुए भी राजा दशरथ चिंतित थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए राजा ने एक दिन मृगवन जाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन प्रातःकाल में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ मृगवन के लिए निकल पड़े। वो शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे तभी उन्हें पानी पीने की आवाज सुनाई पड़ी। लगता है हिरन पानी पी रहा है। मैं शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे पास शक्तिभेदी बाण है, ये बाण सीधा हिरन को लगेगा। राजा बाण चलाते हैं।
जो सीधे शिकार को लगता है। राजा शिकार के पास जाते हैं। ये क्या किया मैंने? मैंने शतभेदी बाण से ऋषि पुत्र को मार दिया। हे परमात्मा, मुझे क्षमा करें ऋषि पुत्र। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज, आप अयोध्या के राजा दशरथ हैं। मेरी एक विनती है। मेरे माता पिता अंधे हैं। मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर को मेरे पिता के पास छोड़ दीजिएगा। बेटा, मुझे माफ कर दो। महाराज, आपने मुझे कैसे मार दिया? मुझे लगा एक हिरण पानी पी रहा है। हे ईश्वर, ये मुझसे क्या हो गया? कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, बेटा, मुझे माफ कर दो। और इस प्रकार श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ श्रवण के मृत शरीर को उठाकर उसके माता पिता के पास जाते हैं। पैरों की आहट सुनकर श्रवण के माता पिता समझते हैं कि श्रवण पानी लेकर आ गया। तुम आ गए पुत्र, तुम्हारे पिताजी बहुत भूखे, उनको जलपान करवा दो। मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। हो भाग्य है हमारे इस गरीब के कुटिया में महाराज पधारे। हमारा पुत्र श्रवण पानी लेने गया है, अभी आ जाएगा महाराज। अब वह कभी नहीं आएगा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। क्यों नहीं आएगा वो, क्यों बताइए? वह आपके सामने ही है। श्रवण, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखो महाराज आए हैं। बताइए, इसे किसने मारा? दंड दीजिए महाराज। उसे दंड मैं नहीं दे सकता, उसे दंड आप दीजिए। अनजाने में मेरे हाथों से आपके पुत्र की हत्या हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप जिस तरह से मैं पुत्र के दुख में तड़प रहा हूँ, वैसे तुम भी तड़पोगे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। राजा दशरथ अयोध्या लौट आते हैं और ऋषि वशिष्ठ से मिलने जाते हैं और अंधे मुनि के द्वारा दिए गए श्राप के विषय में उन्हें बताते हैं। महाराज, मैं तो अपने मन की शांति के लिए भगवान गया था, परंतु मेरा मन तो और अशांत हो गया। ऐसा क्यों महाराज? मुझे अनजाने में श्रवण कुमार की हत्या हो गई और उसके पिता अंधे मुनि ने मेरे पुत्र शोक में मरने का शाप दिया। महाराज, आपके शिकार का उद्देश्य सफल हुआ, श्राप वरदान बन गया। आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। आपने तो मेरा मन शांत कर दिया गुरुदेव। अंधे मुनि के श्राप को वरदान में बदल दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। परंतु तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, पुत्रष्टि यज्ञ। अवश्य गुरुदेव, पुत्रष्टि यज्ञ होगा।
योद्धा रावण अमर होने के लिए कड़ी तपस्या कर रहा था। कई साल बीत गए, तपस्या का अंत ही नहीं हो रहा था। अंततः प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। मैं धन्य हूँ ब्रह्मदेव, मेरी तपस्या सफल हुई। वरदान मांगो। कोई भी देवता, पशु पक्षी, असुर साधु, राक्षस, किसी के भी हाथ मेरी मृत्यु ना हो प्रभु। पुत्र, ऐसा ही होगा। तथास्तु। पति रावण, मैं अमर हूँ। कोई मुझे मार नहीं सकता। तीनों लोग मेरी मुट्ठी में है। प्रभु, सभी देवतागण तथा मनुष्य अति कष्ट में है। मैं सब कुछ जानता हूँ देवराज। रावण की मृत्यु केवल मनुष्य के द्वारा ही हो सकती है, इसलिए रावण का वध करने के लिए मैं स्वयं मनुष्य अवतारूंगा। अयोध्या में राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि की सहायता से पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। कुछ समय पश्चात बताइयो बताइयो, अयोध्या में राजकुमारों का जन्म हुआ है। रानी कौशल्या ने राजकुमार राम, कैकेयी ने भरत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया।
जत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किलकी उठत धाय किलकी उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र अंचल रज अंग झारी अंचल रज अंग झारी विविध भाग भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र में करी जाएंगे। जी पिताजी। आशीर्वाद। चलिए गुरुदेव। चलिए। Thank you.
कुमार ने मातृदेवो बाबा, पितृदेवो बाबा, आचार्य देवो बाबा के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। आज भी उनका चरित्र माता पिता की सच्ची सेवा की प्रेरणा देता है और राजा दशरथ का चरित्र हमें यह सिखाता है कि उनकी तरह हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से कभी नहीं डरना चाहिए। अच्छा देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ा थोड़ा ऊपर